ईरान ने हादसे का शिकार होने वाले यूक्रेनी तैयारे का ब्लैक बॉक्स देने से इनकार कर दिया। सरबरा सिविल एविएशन ईरान का कहना है कि अभी तय नहीं किया कि ब्लैक बॉक्स को डीकोड करने के लिए किस मुल्क को देगा। तेहरान में मुसाफिर तैयारे की तबाही के बाद यूक्रेन के सफारतखाने ने नया बयान जारी कर दिया है। यूक्रेनी सफारतखाने के नए बयान में इंजन में खराबी का जुमला हटा दिया गया है, जबकि यूक्रेन के सफारतखाने ने वाज़ेह किया है कि हादसे की वजूहात के बारे में इब्तदाई बयान सरकारी नहीं था। ईरान ने हादसे का शिकार होने वाले यूक्रेनी तैयारे का ब्लैक बॉक्स देने से इनकार कर दिया है। सरबरा सिविल एविएशन ईरान का कहना है कि अभी तय नहीं किया गया कि ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए किस मुल्क को दिया जाए। यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन का बोइंग 737 तैयारा तेहरान के एयरपोर्ट से टेक ऑफ के बाद गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेन के बोइंग 737 में 167 मुसाफिर और अमले के 9 अफराद सवार थे। तैयारा तेहरान के इमाम खमीनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ देर बाद हादसे का शिकार हो गया था।